हेलो फ्रेंड्स, नवनीत कौर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक स्नैक, ग्रिल्ड ईडू सैंडविच। ये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी सैंडविच है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 2 slices ब्रेड, सम ऑयल, ये फ्रेंड्स जैसे मैं यूज करूंगी वैसे आपको बताई जाऊंगी। 1 egg, 1/8 teaspoon सॉल्ट, 1 pinch ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon अनियन फाइनली चॉप्ड, 1 flake गार्लिक फाइनली चॉप्ड, 1 teaspoon जिंजर फाइनली चॉप्ड, 1/2 teaspoon ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड, 1 teaspoon पार्सले फाइनली चॉप्ड एंड 2 tomatoes। पर ये जैसे यूज होंगे वैसे मैं दिखाऊंगी आपको, सारा नहीं यूज होगा। एंड जुकीनी विद स्किन, आप प्लीज नोट कीजिए कि ये विद स्किन है, फाइनली स्लाइस्ड। एंड कैरेट इज पील्ड एंड फाइनली स्लाइस्ड। 1 teaspoon चीज, मैंने क्राफ्ट चीज यूज करी है लेकिन आप अमूल चीज भी यूज कर सकते हैं। एंड सम बटर, एज वी यूज इट यू कैन सी इट। अब हम एग इसमें डालेंगे बोल में। सॉल्ट, पेपर और इसको हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा विस्क हो गया है। अब हम इसमें अनियंस डालेंगे, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज एंड पार्सले। अब इसको हम फोर्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गैस ऑन करते हैं और इसको हम मीडियम लो पे रखते हैं और फ्राइंग पैन इस पर रखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स हम डालेंगे 1/4 tablespoon ऑयल। फ्रेंड्स मैं तो कर रही हूं यूज ऑलिव ऑयल, लेकिन आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये गर्म हो गया है, इसमें हम ये सारा एग का मिक्सचर डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है, अब इसको मैं टर्न कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स अब ये दोनों तरफ से हो गया है, दूसरी तरफ से भी हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल देते हैं। अब हम ब्रेड के साइड्स निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स हम इसको एग को, प्रिपेयर्ड एग को कटिंग बोर्ड पे रखेंगे और इस साइज का काटेंगे। इट्स ऑलमोस्ट द सेम साइज बट वी विल गेट सम फ्यू ट्रिमिंग्स फॉर डेकोरेशन। आई थिंक दैट्स डन। और अब हम एग को वापस रख देंगे और इनको खोलेंगे और इनमें हम
थोड़ा सा बटर लगाएंगे। नॉट टू मच, जस्ट अ लिटिल। और इसमें हम रखेंगे टोमेटोज, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि जैसे हम इसको यूज करेंगे तैसे आप देख सकते हैं। एंड देन सम जुकीनी, एंड देन सम कैरेट्स, एंड देन वी विल पुट दिस चीज जो हमने ग्रेट करके रखी हुई है। बहुत ज्यादा चीज नहीं डालनी फ्रेंड्स, बस जितनी मैंने बोली है उतनी ही। और इसमें हम लगाएंगे एग। और अब हम फिर से डालेंगे कैरेट्स, जुकीनी, एंड टोमेटोज। और बटर्ड साइड फेसिंग हम इसको प्रेस कर देंगे। So we have assembled our sandwich. अब हम गैस ऑन करते हैं और नॉनस्टिक तवा रख के इसमें हम हाफ टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको हम स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा गर्म करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसको हम सिम कर देंगे, स्लो गैस के ऊपर हम इसको ग्रिल करेंगे। अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और दोनों साइड्स को हम गोल्डन करेंगे, बट वी हैव टू डू इट ऑन अ सिम गैस। देखिए फ्रेंड्स ये एक तरफ से हो गया, अब दूसरी तरफ से हम इसको ग्रिल करेंगे और ये स्लो गैस पे होता है जैसे कि मैंने आपको बताया सिम पे। देखिए दूसरी तरफ से भी हो गया है, अब हम इसको उतार के और कटिंग बोर्ड पे रखेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसको हम अब ट्रायंगल में काटेंगे। और इसको हम प्लेट में लगा देंगे और इसको हम डेकोरेट करेंगे। जो फ्रेंड्स हमने ट्रिमिंग्स काटी थी ना इसके ऊपर रख देंगे और थोड़े से हम जुकीनी इधर रख देंगे ऐसे करके और थोड़ी सी कैरेट्स रख देंगे और फिर हम इसके ऊपर एक स्प्रिग पार्सले का लगा देंगे और ये हमारी ग्रिल्ड ईडू सैंडविच तैयार है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी और न्यूट्रिशियस स्नैक है और आप दिन में किसी भी टाइम इसको बना के सर्व कर सकते हैं।